तो खैर फाइनली सैमसंग की गेम चेंजर सीरीज यानी आपके सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज आपके इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और बेसिकली आपके दो स्मार्टफोन देखने को मिले हैं M10 और M20। तो आगे आज वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि आपके जितने भी डाउट इन फोन को लेकर आपके सारे क्लियर करने वाला हूं। उसका रिक्वेस्ट यहां पर बस एक लाइक जरूर कर देना इससे बिना भूले और यहां पर आपका लाइक बनता भी है क्योंकि जो चीज आपके साथ आपको क्लियर कट बोलने वाला हूं। तो घर अपने मुद्दे पर निकल कर आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गैलेक्सी M10 से। यहां पर आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले यानी आपको नॉच देखने को मिल जाती है। वैसे अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं आपको HD+ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कर ले कैमरा डिपार्टमेंट की तो दो कैमरास देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, जो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको 13+5 के कैमरास देखने को मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा आपको F1.9 का अपर्चर देखने को मिलता है और उसके अलावा 5 मेगापिक्सल में आपको F2.2 का अपर्चर देखने को मिलता है और आपको यही वाला सेकेंडरी कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है 120 डिग्रीज का। यहाँ पर यह चीज आपकी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ और उसके यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। बात कर ले मेन पार्ट यानी प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको Exynos 7870 देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पर आपको बता चाहूंगा आपको 14 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड का प्रोसेसर है, 1.6 GHz की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। और उसके अलावा वैसे अगर आपको ना समझ आए यहाँ पर तो आपको बताना चाहूंगा इसको आप स्नैपड्रैगन 625 के आसपास समझ सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको बता चाहूंगा फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को नहीं मिलता है पर यहाँ पर आपका वाइडबैंड L1 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इन आप ऑनलाइन पेड स्ट्रीमिंग कंटेंट HDFLHD में देख पाओगे। और उसके अलावा बात करें 3400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है यहाँ पर आपको LED नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। वैसे यहाँ पर आपको बता चाहूंगा ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, आप 512 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। खैर अपने मेन मुद्दे पर निकलकर आ जाते हैं जिसके लिए आप शायद एक्साइटेड हो, यानी गैलेक्सी M20। यहाँ पर आपको 6.3 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 409 की PPI देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। वैसे अगर बात कर जाए प्रोटेक्शन की तो यहाँ पर आपको ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास जितनी मजबूत तो नहीं पर आपकी अच्छी खासी मजबूत देखने को मिल जाती है। वैसे अगर बात करें यहाँ पर बैटरी के मेन पार्ट की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, USB-C Type भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है पर आपको 15W की देखने को मिलती है, रियल 18W की नहीं। पर खैर यहाँ पर वो चीज़ आपकी माफ़ करी जा सकती है डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही आपको 15W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बात कर लीजिए कैमरा डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर आपको दो कैमरास देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको 13+5 का कैमरा देखने को मिलता है F1.9 और आपका F2.2 के अपर्चर के साथ सेम पहले जैसा ही। और उसके अलावा सेकेंडरी कैमरा यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है 120 डिग्रीज का। उसके अलावा दो बेहतरीन यहाँ पर चीज देखने को मिल जाती है। पहला ये कि यहाँ पर आपको वाइडबैंड L1 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है यानी आप यहाँ पर भी ऑनलाइन पेड स्ट्रीमिंग कंटेंट HDR और फुल HD में एंजॉय कर पाओगे। और उसके यहाँ पर बात करें प्लस पॉइंट की तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है लेनोवो की तरह ही, तो इस चीज के लिए तो यहाँ पर एक लाइक बनता ही है। वैसे अगर बात की जाए प्रोसेसर की तो 1.8 GHz का कॉर्टेक्स A73 कोर्स के साथ 14 nm टेक्नोलॉजी पर बेस 7904 देखने को मिलता है, जो कुछ दिनों पहले ही सैमसंग की तरफ से नया इंट्रोड्यूस करा गया है। यानी अगर यहाँ पर समरी की बात की जाए तो फोन तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, डिजाइन देखने को मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात सैमसंग की तरफ से आपकी प्राइसिंग इस बार बहुत अच्छी रखी गई है, कैमराज भी बहुत अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर भी, डॉल्बी का सपोर्ट भी दे दिया है। यहाँ पर दो चीज़ों में कंजूसी कर दी है। पहला यहाँ पर ये कि आपका प्रोसेसर देखने को मिलता है 7904 या आपका स्नैपड्रैगन 636 और आपका स्नैपड्रैगन 632 के आसपास आप समझ सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर आपको कैमरा में EIS भी देखने को नहीं मिलता है, पर खैर यहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं आपका सैमसंग की तरफ से फोन देखने को मिलता है। आपको पहले ही कोशिश करी गई है, सालों बाद आपका बेहतरीन फोन निकाला है, इतनी चीजों को यहाँ पर माफ करा ही जा सकता है। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना आपका क्या ख्याल है इन फोन्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद है तो रिक्वेस्ट बस एक है, प्लीज ऐसे लाइक जरूर कर देना बिना भूले। उसके अलावा बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, क्वेश्चन तो नीचे पूछ सकते हो। उसके अलावा मिलता हूँ। Stay happy, stay blessed, and bye-bye.